अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जे एस के डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर खान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब में जे एस के डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। सो एडोब इलस्ट्रेटर की आज 8वीं क्लास है और आज की क्लास में हम सीखेंगे ब्रश टूल, जो कि एक छोटा सा टूल है, लेकिन हम हर टूल के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ताकि आपको कोई भी टूल इस्तेमाल करने में दुश्वारी या परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, सो कीबोर्ड से हम बी प्रेस करेंगे या यहाँ से हम ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, ब्रश टूल पे हम जैसे ही माउस का बटन प्रेस करके रखेंगे तो आपके पास दो ब्रशेस शो हो रहे होंगे, पेंट ब्रश टूल, ब्लब ब्रश टूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेंट ब्रश टूल पे काम करेंगे। हम यहाँ से पेंट ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कुछ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। पेन टूल भी बेसिकली ब्रश टूल भी बेसिकली पेन टूल की तरह ही है, हम कोई भी ड्राइंग वगैरह इसमें कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पेन टूल में पाथ्स वगैरह होते हैं और ब्रश में पाथ वगैरह नहीं होते। ठीक है, उसमें एंकर पॉइंट्स हम ऐड करते हैं एक दूसरे से मिला के, इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन ड्राइंग हम इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से कुछ भी ड्रॉ करते हैं। पहले हम यहाँ से इसका कलर चेंज करेंगे, मेरे पास वाइट था, अब मैंने ग्रीन कर दिए। मैं यहाँ से कुछ भी ड्राइंग वगैरह जो आप चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, हमें कोई कलर चाहिए होगा, कलर चेंज करना होगा, हम यहाँ से कलर उसका चेंज करके ब्लू में कर देते हैं। ठीक है, अब हम कुछ भी ड्रा करेंगे वो हमारे पास ब्लू कलर में होगा। ठीक है, लेट सपोज़ अगर आपने कलर चेंज करना आप भूल गए हैं और आपने किसी और कलर में ड्रॉ कर लिया है, तो आप सिंपली उस पाथ को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, और यहाँ से इसका कलर कोई भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से ऑरेंज कर देता हूँ, ये ऑरेंज हो गया, मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, यहाँ से रेड कर दे और ब्राउन कर देता हूँ, इसका चेंज करना है, यहाँ से रेड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर आप नहीं कर पाए तो फिर सेलेक्शन लीजिए, यहाँ से भी हम डबल क्लिक करके इसका स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये अब चेंज हो चुका है, मैं ऑल सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ब्रश टूल में हमारे पास और भी ऑप्शंस है। यहाँ मेरे पास ब्रश टूल का पैनल नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंट ब्रशेज़ है, और अगर आपके पास ये पैनल शो नहीं हो रहा ब्रश टूल का, तो आप विंडोज़ में आएंगे, F5 प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, या ब्रशेस पे क्लिक करेंगे, आपके पास ऑन हो जाएगा। अभी मेरे पास चेक लगा हुआ है तो मेरे पास टैब ओपन है, अगर मैं चेक हटा देता हूँ टैब क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कीबोर्ड से F5 प्रेस कर देता हूँ, मेरे पास दोबारा ब्रशेस का पैनल ओपन हो गया। ठीक है, मैं यहाँ से कुछ भी ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम ब्रशेस चेंज कर सकते हैं। अब मैंने ये ब्रश लिया है 10 पॉइंट राउंड, अब ये देखिए इसकी थिकनेस डिफरेंट है। ठीक है, इसके बाद है 35 पॉइंट फ्लैट, 35, अच्छा फ्लैट कुछ इस तरीके से है। ठीक है, फिर हमारे पास यह है टच से कैलीग्राफ ब्रश, कैलीग्राफी वगैरह के लिए भी हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, मैं पहले ऑल सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, और हम इस ब्रश पे कुछ टाइप करने की कोशिश करते हैं, कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। वैसे इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप आसानी से ड्राइंग कर सकें। ठीक है, मैं इसकी प्रैक्टिस बहुत कम ही करता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से यहाँ एक वर्ड लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, पाकिस्तान। ठीक है, ये मैंने लिख लिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। कलर चेंज करना चाहें ऑल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से हम ग्रुप करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप होगा, और अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं रहती तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, और अनग्रुप करना हो तो भी आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से अनग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसका कलर कोई और चाहे वो भी कर सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान का कलर है तो हम ग्रीन कलर ही यूज़ करेंगे। ठीक है, डार्क ग्रीन है और ये लाइट ग्रीन है। ठीक है, इस तरीके से ब्रशेज़ में हमारे पास और ब्रशेज़ भी हैं। हम यहाँ से, अब मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, मुझे इस तरीके की कुछ चाहिए,
तो मैं पहले इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ये ब्रश भी इस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसकी थिकनेस डिफरेंट थी और हमने जो सिलेक्शन ली है बेसिक की, वो थिकनेस डिफरेंट है। इसी तरीके से ये भी है, आपके पास काफ़ी थिक नज़र आ रहा होगा। और मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा, अब आप देखें ये बिल्कुल ही स्लिम हो गया है, ठीक है। हम यहाँ से दोबारा, अगर हमें यही लाइन और मोटी चाहिए मतलब, तो हम इस पे यहाँ से इसका स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं जितना चाहें, इसका भी बढ़ा सकते हैं, किसी भी बात का आप स्ट्रोक यहाँ से बढ़ा सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इस तरीके से हम दोबारा यहाँ ड्राइंग कर रहे हैं। अब हमने यहाँ से ये ब्रश सेलेक्ट किया था, हम ये सेलेक्ट करते हैं, ये हमारे पास कुछ इस टाइप का शो हो रहा है, ठीक है। अब कि मैंने एक पैटर्न बनाया था, ठीक है, ये लेदर टाइप का पैटर्न होता है, जीन्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो हम कोई भी पैटर्न इसमें बना भी सकते हैं, हमें अगर कोई पैटर्न चाहिए होगा अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, तो हम वो बना के इसमें ऐड भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे साइड पे ले जाते हैं, साइड पे रखते हैं, हम कोई पैटर्न बनाते हैं। मैं नॉर्मली एक पैटर्न बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि हम इसमें किस तरीके से पैटर्न ऐड करेंगे, ठीक है। मैंने एक ओवल शेप लिया, इसको कंट्रोल जी करके हम ग्रुप करेंगे। मुझे इसकी कॉपी चाहिए और इसी के ऊपर चाहिए, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँगा, कॉपी डिफरेंट प्लेस पे आएगी, ठीक है। और प्रेस करके मैं कॉपी लूँगा क्लिक, और ड्रैग करके तो भी डिफरेंट प्लेस पे होगी, ठीक है। लेकिन मैं अगर इसको क्लिक करके कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़ करूँगा, तो कंट्रोल मतलब कॉपी, एफ मतलब फ्रंट, फ्रंट पे हमें कॉपी चाहिए। तो यहाँ अब ये एक नहीं दो कॉपीज़ हैं। हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम एक को पकड़ के यहाँ ड्रैग करेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा कि पीछे एक और कॉपी है, ठीक है। हमें अगर इसकी बैक पे चाहिए होती, उसके लिए हम कंट्रोल सी और कंट्रोल बी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंपली मुझे फ़िलहाल इस वक्त एक कॉपी चाहिए थी, मैंने एक कॉपी ली, सेलेक्शन ली, इसको रोटेट किया 90 डिग्री पर। मैं इसको ग्रुप कर रहा हूँ, ग्रुप करने के बाद एक और कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़, फिर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ 45 डिग्री पे। अब ये एक फ्लावर की शेप बन चुकी है हमारे पास, मैं पूरे को पकड़ के ग्रुप कर रहा हूँ, ठीक है। एक शेप हम बनाते हैं नॉर्मल सी, आपको जो चाहिए वो शेप जिस हिसाब से आप बना सकते हैं। मैंने सिंपली वैसी नॉर्मल सी एक शेप बनाई जस्ट आपको बताने के लिए। इसमें हम फिल कर देते हैं ग्रीन कलर का और ये स्ट्रोक इसके ऊपर ले आते हैं। अब ये दोनों के कलर मर्ज हो रहे हैं, तो हमें इसका कलर चेंज करना होगा। हम येलो भी कर सकते हैं, हम वाइट करके देखते हैं, वाइट ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन वैसे ही पाकिस्तान के फ्लैग वगैरह में यूज़ होता है। तो हम इसको पहले हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से वर्टिकल अलाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपके पास यहाँ आर टू सिलेक्शन होना चाहिए, आर टू सिलेक्शन होंगे तो इन दोनों के अलाइन होगा, ठीक है। लेकिन अलाइन टू आर्ट बोर्ड करेंगे तो ये पूरे आर्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग अलाइन होगा सेंटर, ठीक है। लेकिन हमें सिलेक्शन चाहिए थी क्योंकि हम फिलहाल सिलेक्शन पे काम कर रहे थे, तो हमने सिलेक्शन लेके इनको वर्टिकल अलाइन कर दिए, ठीक है। इस फ्लावर को हम थोड़ा छोटा करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका स्ट्रोक बढ़ चुका है, हम इसका स्ट्रोक कम कर सकते हैं, इतना स्ट्रोक, ठीक है। अब मैं यहाँ एक और स्ट्रोक की कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ठीक है। हम यहाँ से इसका साइज़ रिड्यूस करते हैं, इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, हमें विड्थ कम चाहिए। पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे देखने में, उसका कलर ग्रीन कर येलो कर देते हैं, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में इसका साइज़ विड्थ है 7.8 इंच, तो हम इसको कर देते हैं 1.5 इंच। अब ये इतनी आ गई है, ठीक है, क्योंकि हमें ये बॉक्स अब एक स्क्वायर में चाहिए सिर्फ इतने एरिया में, ठीक है। तो हम जो हाइट होगी हमारी, हम उसी को वेट में भी रखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये एक स्क्वायर बन चुका है, अब इस स्क्वायर को मैं यहाँ ला के लगा देता हूँ, ठीक है। इसका स्ट्रोक दोनों बेस, इसमें जो बैकग्राउंड का कलर है हमारा, इसमें फिल भी है स्ट्रोक भी है। हम स्ट्रोक को ऑफ कर देते हैं ताकि दोनों इक्वल हो सकें, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हो गए, अब हम तीनों को सेलेक्ट करके वर्टिकल अलाइन करेंगे, ठीक है। ये वर्टिकल अलाइन हो चुका है, अब आप देखें यहाँ पे ये कुछ बाहर की तरफ जा रहा है, तो हम इसे ड्रैग करके यहाँ से करेंगे, ठीक है। या तो हम सेलेक्ट करके
लेफ़्ट अलाइन भी करेंगे। लेफ़्ट अलाइन जैसे ही करेंगे तो वो खुद ब खुद यहाँ सेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको और को भी करेंगे। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ग्रीन रख देते हैं जो हमारे ग्राउंड का कलर है। ये मैंने रखा सिर्फ इस वजह से है क्योंकि मुझे इसमें कुछ शेप बनानी है, तो इस वजह से पाथफाइंडर के थ्रू हम इसे मर्ज करेंगे कुछ इस तरीके से। हम इसे फिर से अलाइन करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास एक शेप आ रही है, ठीक है। इसमें हम कोई लाइट कलर ले लेते हैं, स्ट्रोक ऑफ कर देते हैं। कलर हम यहाँ से डिफरेंट ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है क्योंकि इसमें हमने फिल स्ट्रोक भी साथ रखा था, तो हम इसका स्ट्रोक ऑफ कर देते हैं, जस्ट इसमें फिल रख देते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम इसे यहाँ से यहाँ पाथफाइंडर का ये टूल है, इसके बारे में हम आगे चल के क्लास में सीखेंगे। यहाँ से मैंने माइनस किया था इसको, इससे हम दोबारा से सिलेक्शन लेके अलाइन करेंगे सेंट्रल अलाइन, ठीक है। इसके बाद हम इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर देंगे और इसको फ्रंट पर ले आएंगे। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से शो होगा। हम इस फ्लावर की एक और कॉपी लेंगे, इसे और छोटा कर देंगे, ठीक है, और इसे यहाँ लगा देते हैं। इसका स्ट्रोक हमें मज़ीद कम करना होगा, 0.25 कर देते हैं। और इसकी ट्रांसपेरेंसी भी हम कम कर देते हैं, ओपेसिटी जिसे कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी में हमें ओपेसिटी नज़र आएगी इसकी, ठीक है। ये हमने 50% कर दिया है। हम इसकी कॉपी यहाँ लेंगे, दोनों को ग्रुप करेंगे और नीचे की भी एक कॉपी लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। हम सबको पकड़ के इसको डीसेलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड को सिर्फ इस एरिया को हम ग्रुप करेंगे। हमने ग्रुप कर दिया। अब आप देखिए हमारे पास सिर्फ ये एरिया ग्रुप हो चुका है, ठीक है। इसको हम ड्रैग करके कॉपी बनाएंगे इसकी, और कंट्रोल डी से हम डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये स्पेस हमारे पास कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो हम इसे थोड़ा सा लेस कर देते हैं ताकि ये इसके अकॉर्डिंग हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से हम सबको ग्रुप करेंगे, नीचे वाली लेयर को डी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो ऊपर की लेयर है ये वाली, हम सिर्फ इसे ग्रुप करना चाह रहे हैं, तो राइट क्लिक करेंगे ग्रुप। अब हम दोनों को सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन करेंगे। अब ये सेंटर अलाइन हो चुका है, यहाँ से भी कुछ गैप नज़र आ रहा होगा आपको राइट हैंड साइड से, और लेफ्ट हैंड साइड से भी कुछ गैप आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। हमारे पास ये एक शेप बन चुका है। हम इसे दोनों को पकड़ के ग्रुप करेंगे। अब हम कहीं भी इसे मूव कर सकते हैं। तो हमने ये पैटर्न ब्रश के लिए बनाया था। हम ब्रश का पैनल ओपन करेंगे, इसे सिंपली क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे इस बॉक्स ब्लैंक एरिया में, ठीक है। ब्लैंक एरिया में कर दें, ऊपर कर दें, कहीं भी आप कर सकते हैं। अब ये आपके पास आ रहा है स्कैटर ब्रश और आर्ट ब्रश और पैटर्न ब्रश, ठीक है। हमारे पास तीन टाइप्स हैं, तो स्कैटर ब्रश, आर्ट ब्रश, पैटर्न ब्रश के बारे में बाद में बताऊँगा। फिलहाल हम पैटर्न ब्रश सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमने एक पैटर्न बनाया। हम इसे ओके कर देते हैं। यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी डायरेक्शन वगैरह है। ये डायरेक्शन भी आप देखने के इस तरीके से इसकी डायरेक्शन होगी। यहाँ से हम ओके कर देंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। हम यहाँ से एक बॉक्स लेंगे, बॉक्स का फिल ऑफ कर देंगे, स्ट्रोक हम सेलेक्ट कर लेंगे ब्लैक, और उसके बाद हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास ये इस तरीके से शो होगा, ठीक है, क्योंकि हमने पैटर्न ब्रश किया था। अगर हम इसका पैटर्न ब्रश ना बनाना चाहें, आर्ट ब्रश बनाना चाहें, तो हम वो भी कर सकते हैं। अंडू करते हैं, ये अंडू हो गया। हम दोबारा से इसे ड्रैग करेंगे यहाँ,
तो हम 8 ब्रश बना लेते हैं, ठीक है। 8 ब्रश पे ओके करेंगे, हमसे ये नाम पूछेगा फाइल का नाम, और ये हमें वो डायरेक्शन बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी, ठीक है। हम इसको ओके कर देते हैं, हमारे पास इसकी डायरेक्शन, ये 8 ब्रश यहाँ ऐड हो चुका है, ठीक है। अब हम कोई भी पार्ट ड्रा करते हैं ब्रश टूल के थ्रू, तो हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट ड्रा हो रहा है, ठीक है। हम जिस चाहे पोजीशन में इसे ले सकते हैं, हमें किसी स्क्वायर पर चाहिए या और सर्कल पर चाहिए, तो हम हर एक एरिया में काम कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया, हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास स्क्वायर में बन गया। हम राउंड पे बनाना चाहें तो हम राउंड पे भी बना सकते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो सो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, छोटी सी क्लास थी, ब्रश टूल था, बेसिक्स हमने सीखी। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।